नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी S22 का वैल्यू हमें पता करना है। इन विच डी इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डी इक्वल टू 7 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, एंड 22nd टर्म इज 149, यानी A22 इक्वल टू 149 दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं एक फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या है, An इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहां हम टर्म लगाते हैं A22nd टर्म के लिए, यानी A22 इक्वल टू A प्लस N के जगह क्या हो जाएगा, 22 माइनस 1 इंटू डी। A22 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 149 इक्वल टू A फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, इसलिए A इक्वल टू 22 में से गया 21 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7, यानी 149 इक्वल टू A प्लस कितना हो गया, 7 × 7 और 7 × 14 147, इसलिए A इक्वल टू 149 में से 147 माइनस हो जाएगा, यानी 2। तो फर्स्ट टर्म A का वैल्यू हमें क्या आ गया, 2 पता हो गया। अब हमें पता क्या करना है, A का तो नहीं पता करना था, पता करना है हमें S22। अब हम सम वाले फॉर्मूला में चलते हैं। तो सम के फॉर्मूला में क्या है, एंड SN इक्वल टू N बाई 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और हमें कितने टर्म का करना है, S22 टर्म का पता करना है, यानी S22 इक्वल टू, अब यहां क्या हो जाएगा, N के जगह क्या हो जाएगा हमारा, 22 बाय 2 इंटू 2, और A कितना पता चला है, 2 प्लस N, हमारा क्या है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 22 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, 7 है, तो कितना हो गया, 2 से काट दीजिए 11 इंटू कितना हो गया, 2 × 2 = 4 और ये 21, और 21 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 147, यानी SN का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 147 में 4 जोड़ दीजिए 151, और 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए तरीका क्या है, इसको ऐड करते हैं, जैसे 151 है तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर इस 1 को इसमें ऐड करेंगे 5 × 6, फिर इसे इसमें ऐड करेंगे 5 × 6, और फिर इसे लिखेंगे 1, यानी 1661, यानी हमें आंसर जो आया, क्या आंसर निकालना था, S22 का वैल्यू क्या आया, 1661।